और भैया ये जो सूक्ष्म शरीर है ये बिना हमें पता चले कैसे ये काम कर लेते हैं, और ये फैसला अपने आप खुद कैसे लेता है? फैसला अपने आप नहीं लेता, ये सब आपके विचारों के अनुसार होता है। कुछ कुछ का सूक्ष्म शरीर पिछले जन्मों से ही जागृत होता है, कुछ का इसी जन्म में जागृत होता है, किसी का छोटे बालपन से ही जागृत हो जाता है, किसी का अध्यात्म करते करते या अध्यात्म में घुसने के बाद जागृत होता है। ये अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, ये आपके भाव, जैसे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया है बहुत समय से, आपके भाव में है कि उन तांत्रिकों को कभी ना कभी तो गलत सजा मिलनी चाहिए। तो जब आपका सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से जागृत हो जाता है तो वह एक समय के बाद आपके भाव के हिसाब से उस तांत्रिक से लड़ने चला जाता है। और ये किस तरह के काम कर सकता है? किसी भी प्रकार के काम कर सकता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत में जाके पूजा आरती कर सकता है, देवलोक घूम सकता है, आपका निर्णय देवता से मतलब आपकी अर्जी देवता के पास पहुंचा सकता है, आपको बहुत सारी चीजें सूक्ष्म दिखा सकता है, उनकी बातें सुना सकता है, और आपके शरीर में बहुत अलग अलग रंगों की व अलग अलग प्रकारों की ऊर्जाएं भर सकता है।